सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम करता हूँ और एक न्यू ब्लॉग के साथ। क्या पता कल तक जिंदा रहे या ना रहे, आज वीडियो बना लेते हैं। सुबह की मजा ले रहा था, मतलब बस आज मेरा काम पे गया नहीं, जैकेट को साफ करवा दिया है। घर का सीन कुछ ऐसा है, तो पापा जी वहाँ पे क्या कर रहे हैं चलिए देखते हैं। और ये है मेरा वो नया वाला रूम जिसका काम चल रहा है अभी भी, देख सकते हो। और ये रहा बाहर का सीन, ऐसा कुछ है, टूटा फूटा घर है यार। बाहर में मैंने जैकेट को साफ करवा दिया है, तो इधर तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं यार उसको उड़ रहा है। तो जैकेट को साफ करके मैंने बाल्टी में ही छोड़ा है, जो कि नहीं इधर है। सीन कुछ ऐसा है, ड्रेस पत्थर इधर है। तो यहाँ पे कुछ लकड़ी पकड़ी लगाते हैं, फिर जैकेट ड्रेस पत्थर को सुखाने के लिए कुछ जुगाड़ लगाते हैं, चलिए। तो ये है कुछ इस टाइप का जुगाड़, मैंने लगा के बस ड्रेस पत्थर को सुखा दिया है। बाल्टी लेकर चलते हैं अभी, और इधर बस काम चल रहा है। और अभी सुबह सुबह देखो इधर से प्रधानमंत्री गए हैं, जो कि इधर कोलकाता से होके उधर पता नहीं कहाँ गए। तो मुझे अभी एक काम करना है, जो कि इतना सारा है ये, इसको लेके उधर डालना है, तो इतना सारा खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे भर के लेके जाऊंगा, तो चलिए काम थोड़ा खत्म करते हैं। मैं जो बोल रहा था आपको समझ में नहीं आया होगा, ये रहा हमारा गोबर का गड्ढा, और जिसमें मैं कुटा बोलते हैं हमारा इधर, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको ला के डालना पड़ेगा मुझे। तो चलिए अभी बहुत सारा बचा है, और बोले तो हालत खराब। और उनके देखो बड़े पापा घर के ट्रैक्टर में कर रहे हैं, और हमारे पावर टिलर में। तो गाइस मजबूरी है, ये काम भी जरूरी है, बस और दो चार बार खत्म होने वाला है। चलिए काम करते हैं, क्या करेंगे, यही तो जिंदगी है। चांद की चांदनी आसमान की परी, एक मजदूर के लिए काम जरूरी। तो गाइज लगभग काम खत्म, और रास्ते का जो हालत किया मैंने, तो इसको भी तो साफ करना पड़ेगा। तो चलिए झाड़ू लगाते हैं और क्या करेंगे। लगभग कर दिया मैंने थोड़ा बहुत साफ। तो गाइज अभी जाकर ब्रश कर रहा हूँ, दिन के 10 बज रहे हैं, और जिस दिन काम पे नहीं गया, घर पे रह रहा हूँ, थोड़ा तो काम करना बनता है। तो चलिए ब्रश करके खाना खाते हैं पहले। तो गाइस हमारा पावर टिलर में तेल खत्म हो चुका है, जो कि अभी तेल लाने जाने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे गाड़ी का चाबी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। तो गाइस उधर भी काम चल रहा है, और इधर मैं इसको अभी, ये एक टाइप के दाल होते हैं जो कि मैं दिखा रहा हूँ, ये एक टाइप के दाल होते हैं, और इसको मुझे निकालना है। ये देखो ये उसका फल है, और यहाँ से निकलना है मुझको ये दाल को। तो इसको खाते हैं हम, मतलब सुखा के अच्छे से साफ करके खाते हैं। हाथ में नहीं आ रहा है मेरा एक भी यार, क्या करूँ। तो यहाँ पे अभी मुझे बहुत ज़ोर से डंडा लेके वहाँ पे मारना है, जैसे कि ऐसे मान लो, ऐसे मारना है। तो गाइज बस काम खत्म करके अभी चलते हैं नहाने के लिए, फिर नहाने के बाद आके देखते हैं खाना पीना खा के। तो अब जाएगा अपुन, उधर इंतजार कर रहा है वाकुन। तो गाइज पहुंच चुका है अपुन, ये रहा वाकुन। तो यहाँ पे धूप में थोड़ा टाढ़े हैं, ठंड लग रहा है, अभी नहा के आए हैं तो सुबह सुबह यार शाम हो रहा है। तो गाइज ये एक मोबाइल है, नार्जो वाला वन प्लस, देख सकते हैं उसका कवर एक डिजाइन का, फोन एक डिजाइन का, इधर टूटा फूटा हुआ है, कैमरा भी नहीं है, फिर भी काम चल रहा है, देख सकते हैं। तो गाइज क्या हम उसको गिरा पाएंगे, वहाँ पे जो दिख रहा है पत्थर मार के वो भी, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। और ये रहा हमारा पत्थर, और अभी मार के देखते हैं, मारेंगे। पचाड़ा पड़ी थी, नसीब खराब है। हाँ पड़ी थी ना, बेटा
लेटा पुक हाँ ना पड़ो एटा पुल पैरा पुतरा था ये वाला साइकिल अभी चलाएंगे आगो चको टिकी टिकी तो अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हम तो साइकिल थोड़ा दीजिए भैया देखा पुत्र छा तो भैया अभी हम साइकिल चलाने वाले हैं हां थोड़ा पीछे पीछे साइकिल आगे पीछे उठता है कि नहीं देखते हैं एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आउट गया एफटेट गया नया साइकिल ले लिया है तो उम्मीद है कि पीछा चक्का उठा पाएंगे चले देखते हैं उठता है कि नहीं थोड़ा कैमरामैन थोड़ा पीछे रहो उठी जी डैमेज है ये वाला डैमेज है ये वाला तो कौन है ये क्या है बे तेरा तो यूनिवर्सल साइकिल तेरे टा भी सड़ा देखू जो ना ए ए ए टायर पूरा करा सब हां तो गाइस यहां पे आग जला के बैठे हुए हैं लिपुन बबुल भैया बापुन तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं आई होप कि पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक कर देना थोड़ा बहुत ही बनाया था तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय।